वेलकम टू मेघजी कोचिंग क्लासेस। मैं प्रांकुश द्विवेदी। आज हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अध्ययन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हम तभी करते हैं जब हमें अपवर्तन का कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या तो अभिलंब के ओर झुक जाती है। अब हम यहाँ पे सबसे पहली स्थिति का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि एक प्रकाश किरण आपतन कोण आई से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जहां हमारा आई आपतन कोण होता है और आर अपवर्तन कोण होता है। परंतु हम देखते हैं कि जब कभी हम आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाते हैं तो आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते हम पाते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जब परावर्तित जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो हम पाते हैं कि अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। परंतु मान को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्थिति आती है कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस कोण को ही कहा जाता है क्रांतिक कोण। अर्थात क्रांतिक कोण एक ऐसा कोण होता है जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते बढ़ाते ऐसी स्थिति पर पहुंचा देते हैं कि आई के मान को बढ़ाने पर आर का मान 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात अपवर्तित किरण संकोण हो जाती है और वह दोनों माध्यमों के इंटरफेस से होकर गुजरती है। तब हम इस स्थिति पे आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के बराबर कह सकते हैं। परंतु हम ये सोचें कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए हम उस स्थिति के बारे में भी अध्ययन करते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर कौन सी ऐसी स्थिति आती है। तो हम देखेंगे कि जैसे ही आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाता है तो ये प्रकाश किरण जिसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए था, वो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है, क्योंकि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो पाता। और जब हम इसके मान को और ज्यादा बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है, इसलिए इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें हम कई उपयोग को देखते हैं, जैसे इसके उपयोग के द्वारा ही राजस्थान में मिराज के बारे में समझा जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम किसी गर्म स्थानों पर पहुंचते हैं तो जहां पानी होता है वहां पानी नहीं दिखाई देता और जहां होता नहीं है वहां पानी दिखाई देता है। इसके और कई उपयोग हैं, जैसे हीरा हमें अधिक चमकदार क्यों दिखाई देता है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है ऑप्टिकल फाइबर के रूप में। क्योंकि आप इस समय इंटरनेट का यूज तो कर ही रहे होंगे, तो इंटरनेट की जो बेसिक फिनोमिना होती है वो ऑप्टिकल फाइबर पे ही बेस होती है, और नॉर्मली ऑप्टिकल फाइबर की कार्यविधि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गतिविधियों पर ही आधारित होता है। इसलिए हम हमेशा जब कभी भी किरण प्रकाश की का अध्ययन करते हैं तो उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें कुछ सवाल यह उठा करते हैं कि क्या प्रकाश किरण अपने माध्यम में वापस लौट आती है तो क्या विरल माध्यम में प्रकाश किरण नहीं प्रवेश करती। इसके बारे में कुछ मिथ भी है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश किरण का कुछ हिस्सा
विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे कि हम यहाँ पे इस चीज को डॉटेड डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये देखा जाता है कि प्रकाश किरण का कुछ हिस्सा विरल माध्यम में जाता है, परंतु उसकी जो ऊर्जा होती है उस प्रकाश किरण की ऊर्जा शून्य होती है। इसीलिए सामान्यतः यह मानकर चला जाता है कि प्रकाश किरण का कोई भी भाग विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करता। अब हम क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के बीच में संबंध अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।